हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बटर चिकन की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके और रख लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोन के साथ लिया है। तो इसमें हाफ बाउल में दही ऐड कर दूंगी। वन फोर टी स्पून सॉल्ट लिया है, 1/4 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करना है इसको। देखिए चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, मैरिनेट हो चुका है। मैरिनेट होने के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 30 मिनट के लिए कवर करके। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज के टमाटो ले लिए हैं, उसको देखिए रफली चॉप कर लिया है। 15 से 20 मैंने बादाम ले लिए हैं, इसको मैंने इसका छिलका उतार दिया है। आप चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं। 4 हरी मिर्च ले ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के अनियन ले ली हैं और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ये गर्म हो चुका है और इसी के साथ में मैं 1 पीस बटर का ऐड कर दूंगी। इसको मेल्ट होने देते हैं। ऑयल हमने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा बटर, अगर हम बटर ऐड करेंगे तो हमारा जल जाएगा। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है, लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे, अनियन, ग्रीन चिली। इसको 1-2 मिनट तक इसी के साथ भून लेंगे। इसके बाद बादाम ऐड कर देंगे और ये टमाटर, इसको भी भून लेंगे इसी के साथ 1-2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इसमें हरी इलायची और जावित्री ऐड कर देंगे। 3 हरी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा मैंने जावित्री का ले लिया है, वो भी इसी के साथ भूनना है। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमेटो और अनियन ये सारी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाएं। तो देखिए हमारे टमाटर अनियन वगैरह सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ठंडा होने रख देंगे, पहले इसको ठंडा होने देंगे, फिर ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए चिकन को मैरिनेट हुए हुए 30 मिनट हो चुके हैं, अब इसको पका लेते हैं। देखिए सेम पैन में मैं 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी और ये 1 पीस बटर का, इसको मेल्ट होने दूंगी। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है और ऑयल गर्म हो जाता है, इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करना है। इसको मिक्स करना है। पहले 2 मिनट तक इसको इसी तरह से लगातार चलाना है ताकि हमारी ये दही फटे नहीं। चिकन को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करने तक इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता और ये दही का पानी सारा हमारा ड्राई नहीं हो जाता, तब तक इसको टेंडर करना है। तो इसको अच्छे से कवर कर देंगे और तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो देखिए चिकन का सारा पानी ड्राई हो चुका है और इसमें से माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो चलिए अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। बटर ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना भी आपको बटर चाहिए हो, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बटर को। इसको मेल्ट होने देंगे
और देखिए मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाया है। इसको मैंने छान लिया था पेस्ट बनाकर, इसमें जो भी थोड़ा बहुत मोटापन होता है वो निकल जाता है। इसको ऐड कर देंगे। इसको भून लेंगे 2 मिनट तक। इसी के साथ में 2 हरी इलायची ऐड कर देंगे। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। इसको कवर करके पकाएंगे एक उबाल आने तक। देखिए एक उबाल आ चुका है। अब इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, याद रखिएगा आपने पहले भी ऐड की थी इसलिए ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा तीखा तो आप बहुत ही देख कर डालिएगा टेस्ट करके। सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट भी हमने पहले ऐड किया था चिकन को मैरिनेट करते हुए। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको देखिए हाथ से क्रश करके इस तरह से ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, इससे तीखापन नहीं होता है। इसको भी 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें अपना बटर चिकन ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें फ्रेश क्रीम का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये घर की मलाई का यूज कर रही हूँ। इसको ऐड कर देंगे। 1/2 बाउल मैंने मलाई ऐड कर दी है इसमें, मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। दो मिनट के लिए एक बार और कवर कर देंगे और फिर 2 मिनट बाद गैस को ऑफ करके और इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारा बटर चिकन बनकर एकदम से तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही लाती रहूँगी नई नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।